हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेता स्टाइल। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 लुक जो कि मैंने रिक्रिएट करा है, किन से इंस्पायर्ड होकर रिक्रिएट करा है, तो उनकी पिक्चर्स मैं यहाँ पे साइड में लगा दूँगी, आप देख लेना। ये कोई पाकिस्तानी एक्टर्स हैं तो उनका नाम तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगी, बहुत सारे लोग आप सब कोई जानते होंगे ना, तो इनका मैं लुक आज क्रिएट कर रही हूँ, रिक्रिएट कर रही हूँ। इसी का मैं आप सभी के साथ फुल वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरीके से इस लुक को रिक्रिएट किया है। तो या लेट नहीं करते हैं, जल्द से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्रिएट किया है मैंने ये लुक। एंड गाइस, इस वीडियो में जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ करे हैं सभी मैंने बाय किए हैं अमेज़ॉन से, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस, अमेज़ॉन समर सेल लाइव फ्रॉम 4 मई, गेट मिनिमम 50-80% ऑफ ऑन 1000+ ब्रांड एंड डील्स 1-2 lakh+ स्टाइल। आप अपने फेवरेट स्टाइलिश चीजें परचेज कर सकते हैं सेल में। अभी भी मैंने किसी का लुक रिक्रिएट नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो आई होप कि अच्छा लगे और आप सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो या लेट नहीं करते हैं, जल्द से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, जो मैंने टॉप वेयर किया है ये भी मैंने बाय किया है अमेज़ॉन से, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ ही इस टॉप पे मैंने एक हॉल वीडियो आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखा तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। और इसमें जो मैं दुपट्टा यूज़ करने वाली हूँ, लेट मी शो, तो ये वाला दुपट्टा है, ये मेरे एक अनारकली सेट का है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एंड गाइस, मैंने अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश करके क्लीन कर लिया है। एंड सबसे फर्स्ट मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे ग्रीन टी निया का टोनर। टोनर हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन तो करता है ये, साथ ही हमारे ओपन पोर्स को लॉक करता है। एंड ये वाला टोनर बहुत ज़्यादा बेस्ट है जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अंडररेटेड का सीरम जो कि हमारे स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। इसमें है अश्वगंधा एंड एलोवेरा और ये हमारे स्किन में एक ग्लो इफेक्ट लाता है, इवन टोन करता है हमारे स्किन को और बहुत अच्छे से ना मॉइस्चराइज करता है। ये थोड़ा वाटरी फॉर्म में, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर, ऐसा लगता है कि आप कुछ वाटर यूज़ करो अपने फेस पर, तो इसलिए मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। सबसे बेस्ट तरीका रहेगा अगर आप इसे हाथ में ले के अपने पूरे फेस पर लगाओ, क्योंकि बहुत जल्दी गिर जाता है आपके इस फेस से। एंड सेकेंड मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइजर, जहाँ की मैं यूज़ कर रही हूँ डॉट एंड की का 72 hours तक मॉइस्चराइज करने वाला मॉइस्चराइजर। ये काफ़ी अच्छे से हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है और स्किन को ग्लोई तो करता ही है, तो ये जिनकी बहुत ज़्यादा जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वाला। एंड सेकेंड मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, तो प्राइमर में अभी यूज़ करी हूँ जस्ट हब का 3-in-1 Pro प्राइमर है ये। इसमें कोकोनट है, आमंड ऑयल है एंड SPF 15 भी है। ये थोड़ा क्रीम बेस्ड में आता है एंड बहुत जल्दी ये स्किन को स्मूथ कर देता है और हमारे स्किन में एक अच्छी सी लेयर बनाता है, जिससे हमारा फाउंडेशन या फिर जो भी हमारा मेकअप है वो कैकी ना लगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्मूथ ब्लेंड हो जाए। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी फाउंडेशन जस्ट हब का, ये एक सीरम फाउंडेशन है। इसमें भी आपको SPF 30+ मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छा एक फिनिशिंग, ड्यू फिनिश देता है। 30 ml इसमें आपको क्वांटिटी मिल जाती है। यहाँ पे मेरा जो शेड है वो है सैंड 05 सैंड मेरा शेड है इसमें। अंदर से काफ़ी ड्यू सा फिनिश देता है, सीरम बेस्ड है करके काफ़ी अच्छा जल्दी ब्लेंडिंग हो जाता है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये मैट फिनिश देता है आपको। एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे कंसीलर जिसमें मेरा शेड है 04 नेचुरल, तो ये ब्राइटनिंग करेक्टर कंसीलर है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको फुल कवरेज मिलेगा एंड इसमें ऐसे ब्लेंडर दिया है थोड़ा सा और यहाँ पे दिया है एप्लीकेटर जहाँ से आप अपना कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आई पे, अंडर आई पे अप्लाई करूँगी एंड इसको थोड़ा सा नोज़ में, फोरहेड पे एंड चिन पे अप्लाई करूँगी। और इसमें जो ब्लेंडर दिया है ना, इससे आप आई के कॉर्नर में अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो काफ़ी ईजिली और बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है। ये कंसीलर फुल कवरेज दे रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये कंसीलर। एंड गाइस, बाकी जो है मैं अपने ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी बाकी एरिया में और ये बहुत अच्छे से इजीली ब्लेंड हो जा रहा था। आई पर्सनली लव 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 इट, तो मैं अगेन इसको ट्राई करने वाली हूँ, मुझे पसंद ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला कंसीलर, फुल कवरेज दे रहा है। तो आप कोई बेस्ट कंसीलर अगर परचेज करना चाहते हैं तो गो फॉर दिस,
और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड लास्ट में पूरे बेस को अपने सेट कर लूँगी लूज पाउडर इनसाइड के बनाना लूज पाउडर से, पूरा ही फेस को मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। एंड इसके बाद बारी आती है आईब्रोज की, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैट लुक का दिस पैलेट। इस पैलेट का शेड है 03, तो ये इसमें आपको दो शेड मिल जाते हैं, डी शेड देता है, काफ़ी अच्छी मैट फिनिशिंग देता है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला पैलेट। तो इसमें से मैं ब्लैक शेड लेके अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे ओवर ड्रॉ करना पड़ा क्योंकि जो एक्ट्रेस है उनका थोड़ा सा आईब्रो थोड़ा सा ब्रॉड है। तो दिस इज़ माई बेस कम्प्लीट। एंड इसके बाद मैं ले रही हूँ मार्क्स का पैलेट जिसका शेड है 01। तो इस पैलेट से मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, गोल्डन हाइलाइटर, जिसको मैं अपने आई लीड पर अप्लाई करूँगी। तो दोनों ही मैंने आई लीड पर इसको अप्लाई करा है। जो एक्ट्रेस है उनके आईज़ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लिटरी हाइलाइटर यूज़ किया गया है, तो मैं भी सेम वैसे ही यूज़ करूँगी। तो मैं ये वाला हाइलाइटर चूज़ किया है। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी के ये वाले पैलेट से जिसका शेड है 06, इसमें से ऑरेंज शेड लेके अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी। एंड देन अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे और थोड़ा सा नेचुरल सा फिनिश आए। तो मैं अच्छे से दोनों को ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी ग्लिटरी सा शेड है। एंड इसके बाद बारी आती है आईज़ में काजल की, जो कि इस जो वीडियो का मेन पार्ट है काजल। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का काजल, मैग्नेटेड काजल। तो मैं इसको यूज़ करूँगी, ये स्मश प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। इसको मैं अपने दोनों ही आईज़ पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करना है, तो इसको मैं अप्लाई करने के बाद मैं सेम स्विस ब्यूटी की पैलेट से जिसका शेड है 06, उसमें से ब्लैक कलर लेके इसको थोड़ा सा स्मच कर दूँगी ताकि थोड़ा सा मैट फिनिश आए। थोड़ा सा ऐसा करने पे ना आपका काजल थोड़ा स्मच भी नहीं होता है, वैसे ही स्मच प्रूफ है। इसके बाद मैं अपने आई लैशेस को कर्ल कर लूँगी इस कलर की हेल्प से, दोनों ही आई लैशेस को। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मैग्नेटेड का फेसेस कैनेडा का मस्कारा, जो कि आपके मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये वाला मस्कारा थोड़ा सा वैल्यूम देता है आपकी आई लैशेस पे। एंड इसमें अच्छे से मस्कारा अप्लाई करना है क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी फॉल्स आई लैशेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं बहुत अच्छे से डबल कोटिंग कर लूँगी अपने आईज़ पे। एंड इसके बाद मैं मार्क्स के सेम पैलेट से ये लाइट शेड लेके मैं थोड़ा सा अपने ब्लश अप्लाई करूँगी। ज़्यादा ब्लश का अप्लाई नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा करूँगी। एंड इसके बाद सेम पैलेट से मैं ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने चीक्स पे, नोज़ पे और फोरहेड पे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइलाइटर का यूज़ करा है। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी दिस पिंक शेड, थोड़ा सा पिंक टाइप का शेड है ये, ब्राइट पिंक का है, जस्ट आपका लिपस्टिक किट है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये लिपस्टिक मेरा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था हमसे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो मैंने अपने आई लिड पे हाइलाइटर का यूज़ करा था ना, सेम वही हाइलाइटर मैं अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ ताकि थोड़ा सा उसका शेड जो है ना डाउन हो जाए। तो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक मेरी लिपस्टिक का कलर चेंज हो चुका है। तो दिस इज़ माय फाइनल लुक, एंड ये मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। एंड इस लुक को पूरा कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे वेयर किया है दिस दुपट्टा, जो कि सिमिलर तो नहीं है पर थोड़ा बहुत सिमिलर है। ये मेरे अनारकली का एक दुपट्टा है जो कि मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था, तो अनारकली का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। एंड गाइस, ये था मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरा लुक कैसा लगा तो ये भी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। मेरा फाइनल वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो से जरा भी हेल्प मिली होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम का हैंडल है मेरा श्वेता मलिक, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकें। सो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।